स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल न्यूज रिपोर्टिंग में। दोस्तों अगर आप हुआई P30 के साथ हैं तो आपके लिए बहुत ही बुरी खबर है, अगर आप Google Play के साथ हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर आप Google Play ऐप के साथ हैं तो आपके साथ Samsung है। जी हाँ दोस्तों, Samsung ने Google Play का फाइट लेते हुए हुआई P30 का बहुत ही बुरी तरीके से मजाक उड़ाया। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग ने ट्रोल किया है हुआई P30 का। जी हाँ दोस्तों, ब्रांडेड P30 जो कि भारत में लॉन्च हो चुका है, आपको बता दें ये बिना किसी गूगल ऐप के लॉन्च हो गया है। आपको बता दें हुआई और गूगल प्ले ऐप का दोनों का 36 का आंकड़ा चल रहा है। आपको बता दें जहाँ कि हुआई ने मना कर दिया लॉन्च करने के बाद कि किसी भी तरह का P30 के अंदर गूगल ऐप नहीं आएगा, उसी के बाद सैमसंग ने ये पिक अपलोड किया और लोगों को बताया है क्या इस फ़ोन में कमी है। जी हाँ दोस्तों, इस फ़ोन में कमी सैमसंग ने डायरेक्ट इस पिक को ही अपलोड करते हुए ब्लैंक स्क्रीन दिखा दिया है। देखिए पेपर्स को दिखाया है सैमसंग ने कि आप देख सकते हैं कि इस फ़ोन में क्या लैकिंग है। अगर आप भी देखते हैं अनबॉक्सिंग में हुआ P30 का, अगर आप जानना चाहते हैं क्या इसमें कमी है, क्या इसमें फ़ायदा है, तो सबसे बड़ा कमी सैमसंग ने एक पिक में ही दिखा दिया कि इसमें ना ही तो YouTube है, ना ही गूगल ऐप है, ना ही कोई मैप है, ना ही कोई क्रोम है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद गूगल सैमसंग ने ये अपलोड करते हुए ये भी लिखा है कि वो बिना गूगल ऐप और बिना किसी भी गूगल प्ले स्टोर के ये फ़ोन बेकार हो। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद देखना होगा कि हुआई का क्या रिएक्शन है, आपका क्या रिएक्शन है, आप क्या चाहते हैं कि कोई भी फ़ोन बिना प्ले स्टोर के क्या अपलोड लॉन्च होना सही है, क्या आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइए। क्या आप हुआई P30 के साथ जाएंगे या आप सैमसंग के साथ रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।